सवाल आपसे ये है कि अंदाजन कितने करोड़ के अंदर आईपीएल के इसको कह सकते हैं टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स ओवरऑल मीडिया राइट्स सोल्ड हुए होंगे ऑक्शन के अंदर? यार ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूँ ना तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए में होगा। 500 करोड़? बस अब अभी आपने कहा आईपीएल बड़ी लीग है लेकिन 500 करोड़ कम है, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। जब पाकिस्तान की तो देखे ना, पाकिस्तान सुपर लीग सबसे लेवल पे आया है। ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो मैं इनको ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा इनके तोते उड़ने वाले। मैं आपको दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के मीडिया राइट्स तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए में डिज्नी और रिलायंस को बेचे गए, और बीसीसीआई द्वारा इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। इस बात को सुनने के बाद कई पाकिस्तानी लोगों का यह कहना है कि यदि इतना पैसा उनको मिल जाता है तो उनका देश एक बार से फिर से अच्छे से चलने लगेगा, उनके देश में जो संकट के दिन आए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, लेकिन यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले बताएं आईपीएल, आपको क्या नॉलेज है आईपीएल के बारे में? आईपीएल में जैसे पीएसएल होता है ऐसे ही उन्होंने हमसे देखा देखी आईपीएल स्टार्ट किया है, तो पहले वो शुरू हुआ था नहीं, उन्होंने हमसे देखा देखे स्टार्ट किया था। सवाल आपसे ये है कि अंदाजन कितने करोड़ के अंदर आईपीएल के इसको कह सकते हैं टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स ओवरऑल मीडिया राइट्स सोल्ड हुए होंगे ऑक्शन के अंदर? यार ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूँ ना तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए में होगा। 500 करोड़? बस अभी आपने कहा आईपीएल बड़ी लीग है लेकिन 500 करोड़ कम है, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। जब पाकिस्तान की तो देखे ना, पाकिस्तान सुपर लीग सबसे लेवल पे आया है। ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो मैं इनको ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा इनके तोते उड़ने वाले। मैं आपको फिर एक मौका देता हूँ सर, आपने कहा बड़ी लीग है, दोबारा सोचो। 500 करोड़? बस इससे ज्यादा नहीं। तो आपने जिद पकड़ ली, थोड़ा हजार की लाइन में चले, 600 कर लेते हैं आपके गाने पे। मजे की बात है, 600 के अंदर टाटा ने इसको कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप बाय की थी उसकी 600 करोड़ में। अभी तो टीवी राइट की बात हो रही है, मीडिया राइट ये भी इतने में हुई है, ये टोटल इतने में आया है इनका सब कुछ 600 से आगे। 600 करोड़ देखा जाए तो काफी ज्यादा वैल्यू होता है। वैल्यू काफी ज्यादा वैल्यू है, तो कंफर्म है आप एक चीज पे टिक गए? मैं इसी पे टिक गया हूँ, आपने हिलना नहीं है यहाँ। नहीं, मीटर स्क्रॉल करता रहता हूं, इस बारे में काफी आता रहता है। मैंने देखा है कि आईपीएल तो मेरे ख्याल से इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी काफी ऊपर तक पहुंच गया। सही कहा, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी अभी उसने रिसेंटली बीट कर दिया है। सवाल आपसे ये कि आईपीएल की ऑक्शन चल रही है, अंदाजन कितने की मीडिया राइट्स कह सकते हैं सोल्ड हुए होंगे ऑक्शन के अंदर? ये कोई 700-800 करोड़ अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। क्योंकि कहा जा रहा है दो कंपनी से खरीदे हैं, वो है 44,000 करोड़। इधर आओ, 2500 करोड़ आप कहते, 44,000 करोड़ INR मतलब इंडियन करेंसी की बात करें, इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। बस हो गया कन्वर्ट। बताओ तो भाई जरा, छोड़े ये नहीं साहब होना मुझसे। नहीं होना ही साहब, मुझे ये बता दीजिए अंदाजन के मतलब के 44,000 करोड़ में अंदाजन कितने जीरो आते हो? इन बातों को छोड़ ही दे बस। मैं आपको प्यारे भाई, आपने कहा 600 करोड़, बड़ा आपको मैंने चांस दिया लेकिन आप नहीं माने। सर मेरे प्यारे भाई, अभी आईपीएल की कह सकते हैं टीवी राइट्स जो है ना सोनी ने खरीदे हैं, और डिजिटल राइट्स जो है वो वूट ने खरीदे हैं। टोटल इसकी वैल्यू बनती है 44,075 करोड़। यार मजाक कर रहे हो यार, ना कर यार। नहीं नहीं नहीं, इधर तो आओ भाई, आपने कहा 600 करोड़, ऐसा ही है? हाँ, मैंने इतना 44,000 मैंने आपको बड़े चांस दिए थे लेकिन आप माने नहीं। यार ये कैसे हो सकता है? ये हो गया यार, आपने मुझे शॉक कर दिया है, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आनी। सारी रात क्यों नहीं नींद आनी, इतने तो पैसे आराम से चलते रहते हैं। और कैसे चलते रहते हैं, ये बहुत मेरे लिए टेंशन की बात है यार। अच्छा, मजे की बात है, इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें 44,000 करोड़। यार बहुत पैसा है यार, तोबा मेरी नस्लें बैठ के खा सकती है यार आप। अच्छा, इसको 44,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? पता नहीं यार, जितने भी आते हैं। बहरहाल मेरा तो दिमाग शॉक कर दिया आपने, स्टक हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं लग रही।